ऐसी है कि तालियां रिजवान की बैटिंग और थोड़ी सी उनकी एक्टिंग के लिए भी और शफीक की पूरी बैटिंग के लिए। क्या पार्टनरशिप लगाई जब दो आउट हो गए थे, 145 रन अगलों ने चेस किया है, दो ओवर ऑलमोस्ट अमेरिकन पिस्ताचियो ना, 6 विकेट से जीता है पाकिस्तान, एडिक्टिव है, 6 विकेट, 2 विकेट अपफ्रंट गिरे, 6 विकेटों से जीता है, बॉलिंग कितनी है यार, लगभग 2 ओवर मान के चलो आप कि 2 ओवर रहते ही रन चेस पूरी कर दी, कमाल कर दी भाई, पर क्या गजब की पारी खेली है। मुझे तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ 3 की फतह, 12 में बाकी सारी टीमों के लिए वर्ल्ड कप में खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान ने क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर चेस करके हर किसी को हैरान कर दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया में हर किसी के मुंह पर पाकिस्तान की तारीफ है। देखेंगे फुल वीडियो में किस तरह भारतीय मीडिया पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, मगर उससे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन, क्रिकेट की हर लेटेस्ट खबर के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को बेल की घंटी के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। एक स्टेज पे मैंने देखा विलालगे ने एक अच्छा स्पेल डाल रहे थे, स्लो डाल रहे थे, बट यार देखो आप श्रीलंका को छोड़ो, हार गई ना टीम को, जीता कौन है, पाकिस्तान ने कितने चेज किए हैं, 344 रिकॉर्ड रन चेज है सर, देखो साफ सीधी बात, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं किया, 131 रन है नॉट आउट 121 बॉलों में रिजवान के, 103 बॉल में 113 बनाए, ऐसी है कि तालियां रिजवान की बैटिंग और थोड़ी सी उनकी एक्टिंग के लिए भी और शफीक की पूरी बैटिंग के लिए। क्या पार्टनरशिप लगाई जब दो आउट हो गए थे, वहां से सर बाबर नहीं चले, बाबर के फेलियर पर भी आएंगे क्योंकि ये स्टेज और ये ओकेजन ऐसे जहां पर बाबर को ऑन करना चाहिए, 345 रन अगलों ने चेस किया है, 2 ओवर ऑलमोस्ट अमेरिकन पिस्ताचियो ना, 6 विकेट से जीता है पाकिस्तान, एडिक्टिव है, 6 विकेट, 2 विकेट अपफ्रंट गिरे, 6 विकेटों से जीता है, बॉलिंग कितनी है यार, लगभग 2 ओवर मान के चलो आप कि 2 ओवर रहते ही रन चेस पूरी कर दी, कमाल कर दी भाई, पर क्या गजब की पारी खेली है। मुझे तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नहीं यार, 345 दूसरे ओडीआई खेल रहे हैं अपना अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक दूसरा क्यों खेल रहा है, 20 क्यों नहीं खेला हुआ अभी भी, मतलब ठीक है वो, मैं तो अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ये होने चाहिए आइडियली। आपको याद होगा जब हम एक वक्त पर बीच में बात कर भी रहे थे तो थोड़ा सा ये था क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले, उनका इमाम कैसे बाहर होंगे, मैं वही कह रहा हूँ कैसे, वैसे अब जो भी है, बट अब्दुल्ला शफीक ने आज जो पारी खेली, जिस तरीके की उन्होंने क्लास दिखाई है, मानना पड़ेगा उनको भी, जो शॉट है उन्होंने खेली है, इनफैक्ट शुरुआत में तो वही लेकर चल रहे थे, जो शॉट मार रहे थे, मतलब वो स्टार्टिंग में 10 ओवर में आप देखो वो एक साइड थी, शॉर्ट बॉल में क्योंकि बाबर भी आए थे थोड़ा सा, लेकिन जिस हिसाब से वो कनेक्ट कर रहे थे ना बल्ले से, जो आवाज आ रही थी, मतलब अब्दुल्ला शफीक, एक बात जानना चाहती हूँ, जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो बैटर्स में ना सबसे ज्यादा नाम आता है बाबर आजम का, और आप पिछले कुछ वक्त निकालेंगे तो सिर्फ एक रिजवान आते हैं, जो हर मैच में पाकिस्तान जीत रही हो हार रही हो रिजवान आके वो अपना काम कर जाते हैं, है मैच विनर जी, बाबर है मतलब साइलेंट किलर, पाकिस्तान क्रिकेट के पाइप पाइपर, अब विराट के साथ कोई और रन बनाता है, बट विराट का फिर ऑरा डिफरेंट है और बाबर का ऑरा बना हुआ है, लेकिन ये है कि सिर्फ बाबर पाकिस्तान में, भी मैं कहूंगा ऑरा बना हुआ है सिर्फ पाकिस्तान में, अभी ऐसा नहीं कि अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में बोले कि अगेन, अगर आज शायद हम वनडे की 11 बनाने भी जाएं, आज के प्लेयर्स देखो वर्ल्ड कप उनके लिए मौका है, हाँ वो मौका है, बाबर आजम के लिए ये वर्ल्ड कप मौका है, जैसे रिजवान के लिए या भाई किसी भी टीम के किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप मौका है, बाबर के तो 2 फेलियर हो गए और आज का फेलियर तो एक स्टेज पे लगा कि पाकिस्तान खत्म हो गया, बट जो आप बता रहे थे ना अब्दुल्ला शफीक, रिजवान ने आके अब्दुल्ला शफीक को अपनी नेचुरल गेम खेलने के लिए मजबूर किया, तू खेल यार, तू मार रुकना, और अब्दुल्ला शफीक तो चलते 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 चलते, बट आई थिंक वो जो इन्होंने 10वें से 20वें ओवर में रन इकट्ठे किए, क्योंकि वो उस वक्त ये नीचे लगे हुए थे, 15 ओवर 70 रन थे, हाँ तो उसके बाद उन्होंने, लेकिन श्रीलंका के पास मौका ही नहीं था यार, श्रीलंका ने जो 2 विकेटें ली हैं तीसरी और चौथी, और ठीक है विकेटें मिल गई, श्रीलंका तो 400 भी चेस करा देता, क्योंकि बेस्ट पार्टनरशिप का रोल यही था सर, क्योंकि उस वक्त यही बात होती है कि आप जो रन रेट हो उसको कैसे मेंटेन करके चलते हो, तो उसमें मैं मानता हूं कि अब्दुल्ला शफीक का रोल बहुत बड़ा था, अब्दुल्ला शफीक ने जबरदस्त रन रेट वाला था ना, कि आप 5.5 में चल रहे हो, 5 से धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हो, फिर रिक्वायर्ड रेट आपका कम होता जा रहा है, मतलब वो एक कंसर्न था मिडिल ओवर्स में कि यार ये कैसा करते हैं, इनफैक्ट देखो धीरज भाई क्या होता है, जो हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक का टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त रिकॉर्ड है, अब्दुल्ला शफीक का आप देखोगे वाइड बॉल में उस लिहाज से उतना बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, बट देन उनकी वही काबिलियत को बैक कर रही थी पाकिस्तान, और इनके पास मैं बार बार इवन जो टेस्ट
टेस्ट क्रिकेट में भी देखा था, एक दिन शायद हम ही बात कर रहे थे जब थोड़ी सी ये चर्चा हुई थी यार नहीं वो टेस्ट में करते हैं वनडे में कैसे होगा, बट स्ट्रोक प्लेयर थे ये, टेस्ट में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट शॉर्ट बॉल कराते थे आउट हो जाते थे क्योंकि फील्डर के पास चले जाते थे, बट पहली बार इनका नाम सुना था जब नेशनल टी20 कप उसमें उन्होंने 100 लगाया था, वहां से उन्होंने पारी खेली, और आज जैसी पारियां होती हैं जो कभी कभी एक प्लेयर को चाहिए होती हैं जहां पर आप बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप अप।